आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हैदराबाद के एक मशहूर होटल में ड्रेनेज के पानी से खाने पीने के बर्तन धोने का वाकया वीडियो वायरल। यूसुफगुड़ा के श्री कृष्णा उड़ीपी पार्क होटल में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया, जहां होटल इंतजामिया मुबैना तौर पर ड्रेनेज के पानी से प्लेटें, ग्लास और दीगर बर्तन धोने में मुलविस पाया गया है। इस खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए अवाम में शदीद गुस्सा और गम की लहर दौड़ गई। जराए के मुताबिक होटल के करीब पाइपलाइंस में तवील अरसे से लीकेज हो रही है और वहां से ड्रेनेज का पानी बह रहा है, लेकिन होटल इंतजामिया ने इस सूरत हाल को नज़रअंदाज करते हुए इसी गंदे पानी का इस्तेमाल जारी रखा है। ये पानी न सिर्फ सेहत के लिए मुजीर है, बल्कि खाने पीने के बर्तनों को इससे धोना अवाम की सेहत के साथ संगीन खिलवाड़ है। इन्हीं शायदीन मुकामी लोगों का कहना है कि होटल के बावर्ची खाने में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली प्लेटें, गिलास और चाय के कप ड्रेनेज के पानी से धोए जा रहे हैं। इसके बावजूद होटल इंतजामिया इस खतरनाक अमल को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। लोगों ने बताया कि होटल की इंतजामिया इस मामले को मुसलसिल नज़रअंदाज कर रही है, जिससे न सिर्फ होटल में खाने पीने वाले लोगों की सेहत मुतासर हो रही है, बल्कि ये अमल हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के भी संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुकामी लोगों ने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि होटल के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में शराब से बनी आइसक्रीम फरोख्त, महकमे एक्सरसाइज का आइसक्रीम पार्लर पर धावा। महकमा एक्सरसाइज ने जुबली हिल्स के एक आइसक्रीम पार्लर पर धावा किया, जहां गैर कानूनी तौर पर शराब से बनी आइसक्रीम फरोख्त की जा रही थी। आरक्यू कैफे नामी आइसक्रीम पार्लर ने अपने ग्राहकों को शराब से बनी आइसक्रीम फरोख्त कर रहा था। धावे के दौरान 23 आइसक्रीम के टुकड़ों में कुल 11.5 किलोग्राम गैर कानूनी आइसक्रीम बरामद हुई, जिसमें हर किलो में 60 मिलीलीटर शराब मिलाई गई थी। इस कार्रवाई में पार्लर के मालिक शरद चंद्र रेड्डी और उसके दो मुलाजमीन दयाकर रेड्डी और शोभन को गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस थे। हुकाम का कहना है कि यह आइसक्रीम फेसबुक के जरिए तशहीर की जा रही थी, जिसका मकसद बालिग ग्राहकों को आमादा करना था। इसके साथ ही हुकाम ने बच्चों को अल्कोहल पर मबनी मसनूआत की फरोख और ख़रीद पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। इस केस में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तहकीक़ात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। मुश्तरिका पार्लिमानी कमेटी से तेलंगाना वक्फ बोर्ड की तहरीरी नुमाइंदगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के वफद ने दिल्ली में मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील करदा मुश्तरिका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी की। चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की क़्यादत में इस वफद ने जुमे के दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरिका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की, जिसमें मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत की गई है। इसके अलावा हालिया दिनों तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुतफ़क़्क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद की कॉपी हवाले की गई। इस वफद में चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के अलावा सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद और रुकन वक्फ बोर्ड बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी मौजूद थे। हैदराबाद में मौसलाधार बारिश, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद में जुमे की शाम एक बार फिर मौसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद शहर के नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तेज़ बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक जाम हो गई। शाम के अवकात अचानक आसमान अबर आलूद हो गया और 4 बजे से 5 बजे तक शहर भर में मौसलाधार बारिश जारी रही। पंजागुट्टा, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गच्ची बोली, कुंडापुर, मेहदीपट्टनम, सिकंदराबाद, हुसैन सागर और दीगर इलाकों में शदीद बारिश से बरखी सरबराही में भी खलल पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 दिनों तक मजीद बारिश का इम्कान है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत की गई है।
आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही, मिलते हैं अगली न्यूज में।